बेटमा नगर में मुस्लिम समाज का सामुदायिक निकाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 22 जोड़ों का निकाह हुआ। सम्मेलन के पूर्व सुबह 10 बजे 22 दूल्हों की उलेमा ने निकाह की रस्म अदा की और सभी दूल्हों को कलमा पढ़ाकर निकाह कबूल करवाया गया। वहीं 22 जोड़ों की खुशहाल जिंदगी के लिए और मुल्क हिंदुस्तान में अमनो अमान के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान सभी जोड़ों ने एक स्वर में निकाह कबूल है कहते हुए एक दूसरे के जीवन साथी बने। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल भी पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम मंच के कम्युनिटी हॉल में लगे पेवर्स ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं समिति द्वारा सभी जोड़ों को गृहस्थी के सामान सहित दहेज भी दिया गया। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। रखा गया था और मैं भाग्यशाली हूँ, ये शोभा के देपालपुर विधानसभा के बेटमा के अंतर्गत हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ की जो कमेटी और यहाँ के समस्त लोग एक समाज के कुरीतियों को ख़त्म करके जो सामूहिक विवाह करते हैं, जो आज निकाह पढ़ा गया है, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। समाज की सभी कुरीतियाँ भी ख़त्म होती है। साथ ही जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, सब ने एक मांग रखी थी कि हमें यह पेवर ब्लॉक इस नमाज खाने के अंदर हो और शेड भी हो, और आज पुनः दूसरा एक जो कार्यक्रम है उसमें मैं आया हूँ। उसके पूर्व सभी पेवर ब्लॉक्स यहाँ लग चुके हैं और तुरंत अगला कोई भी बड़े कार्यक्रम के पहले पहले उनका शेड की भी तैयारी हो चुकी है, वो भी जल्द पूरा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।